हाय किड्स, हाय सर। आज आप मुझे बताओगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ठीक है, सब बच्चों ने सामान खरीदा दुकान से? यस सर। अब देखो हुआ क्या है, किरण वेंट शॉपिंग विद रुपीज 200। किरण शॉपिंग के लिए गई है दुकान में, कितने रुपए लेके? 200 रुपए। 200 रुपए। लुक एट द बिल। अब जो दुकानदार था, दुकानदार ने उसे ये वाली पर्ची दी कि भाई ये आपने सामान लिया है, और जैसे बिल मिलता है ना सामान का, ये बिल है। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। लेकिन दुकानदार ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी उसने, कि जो उसने ये अमाउंट्स लिखे, जो इसने सामान के जो रेट लिखे, रेट उसने गलत लिख दिए। इसमें उसने पॉइंट लगाना क्या हो गया, छोड़ दिया, भूल गया, या उसने छोड़ दिया या भूल गया वो। तो अब वो बताने, अब आपको क्या निकालना है, इस पहले तो जो ये प्राइसेज है इनका टोटल निकालना है। ठीक है, इनका टोटल निकालो। लेकिन टोटल निकालने से पहले हमको एक करेक्ट करने हैं कि इनमें क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर दशमलव लगाना चाहिए, कहाँ पर पॉइंट लगाना चाहिए। अब देखो, जो सोप होता है लगभग कितने रुपए का आता है, लगभग कितने रुपए का आता है, 10 या 12। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1250। तो गलत है ये, एक साबुन 1250 का तो नहीं आ सकता। तो कहाँ पर दशमलव लगेगा, बारह के बाद यहाँ पे दशमलव लग गया। अब बोल रहे ग्रीन ग्राम, मतलब ग्रीन हरा चना, चना, हरे चने, हरे चने उसने 1 किलो लिए हैं। कितने रुपए के आए होंगे लगभग चने, लगभग आए होंगे 50 रुपए के आए होंगे। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ, 5,000। कहाँ पर दशमलव लगेगा, 50। तब कितना हो जाएगा, 50 रुपए 25 पैसे। अब उसने चाय ली, 250 ग्राम चाय ली। 250 ग्राम चाय कितने की आती है, 27 रुपए और 25 पैसे। कोकोनट ऑयल लिया 1 लीटर, कितने का आया होगा, 60 रुपए का। दशमलव कहाँ लगाऊं, 60। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं हम, जोड़ो, 0 0 0 जीरो, ओके, पॉइंट लग गया, जीरो, पंद्रह। तो कितने रुपए खर्च कर दिया उसने, 150 रुपए खर्च कर। ले कितने गई थी, 200। कितने बचे, 50। वेरी गुड। अब आपने ये बताना है, इन दोनों, ये दो पजल हैं। विच सिटी स्कूल, एक बच्चा बोल रहा है मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ का टेम्परेचर जो सर्दियों में हो जाता है कितना हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस। और जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। एक बच्चा तो ये बोल रहा है, दूसरी ये लड़की है ये बोल रही है कि ये राजस्थान में रहती है और वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वहाँ क्या होती है, बहुत ही गर्मी होती है, और पानी लेने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटरों दूर पैदल जाना पड़ता है। तो अब कौन सी सिटी कूल है, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडा हो रहा है, और जो भी ठंडी जगह होती है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम। क्लियर है, यस सर।